नमस्कार, मैं हूं आपके साथ इति राज और आप देख रहे हैं टीवी 9 डिजिटल। कोरोना वायरस ने देश का हाल बेहाल कर दिया है। पहली दूसरी के बाद अब तीसरी लहर की आशंका जताई जा रही है। वहीं ओमिक्रॉन जिसे तीसरी लहर कहा जा रहा है, इसे लेकर हर ओर दहशत का माहौल है। आखिर क्या है ये ओमिक्रॉन, कितना खतरनाक है, इस बारे में बातचीत के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कोविड केयर एक्सपर्ट डॉक्टर चारुदत्त। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे प्लेटफॉर्म टीवी 9 डिजिटल पर। धन्यवाद दीति, धन्यवाद टीवी 9 मेरे को ये मौका देने के लिए। जी, सबसे पहले ये बताइए कोविड के बीच आप कैसे हैं, आपका क्या हाल है, आप अपना हाल सबसे पहले बताइए हमें। सो कोविड के बीच में पिछले 2 साल से हम लोग फ्रंट लाइनर्स में हैं और अभी तक सब बढ़िया है। गवर्नमेंट स्ट्रेटजी के साथ साथ, सबके एफर्ट्स के साथ साथ सब अच्छा चल रहा है और हम सब हेल्दी हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और जो सबसे पहला सवाल जो ओमिक्रॉन से जुड़ा हुआ है वो यही है कि आखिर इसे वेरिएंट ऑफ कंसर्न क्यों कहा जा रहा है। सो सबसे पहले तो ये समझने की जरूरत है कि ओमिक्रॉन कोई अलग वायरस नहीं है। ओमिक्रॉन कोविड का एक वेरिएंट है और वेरिएंट ऑफ कंसर्न के इसके 3 रीजंस हैं। सबसे पहला कि ये ट्रांसमिट यानी फैलने की कैपेसिटी बहुत ज्यादा रखता है। नंबर 2, इसमें काफी इंसर्शन और डिलीशन हुए हैं यानी म्यूटेशन हुए हैं, जिसकी वजह से ये कई बारी इम्यून सिस्टम के ऊपर भारी पड़ता है। तो ये 2-3 कारण की वजह से इसको वेरिएंट ऑफ कंसर्न बोला गया है और पिछले 15 दिन के अंदर जितने इसके केसेस आए हैं ये काफी चिंताजनक है। ओके, ऐसे में एक और सवाल यहाँ पर आता है जो हर किसी के जहन में भी है, वो ये है कि क्या मौजूदा कोरोना जो टेस्ट है क्या वो ओमिक्रॉन वेरिएंट को पकड़ सकता है? बिल्कुल, पहले हमें लगता था कि आरटीपीसीआर में कोविड-19 जैसे हम पकड़ते हैं, ओमिक्रॉन पकड़ना इम्पॉसिबल है, लेकिन नहीं, ओमिक्रॉन के कुछ लेवल 3 लेवल 4 में ऐसे डिलीशंस हैं जिससे ये पता लगता है कि जो एस जीन है वो ड्रॉप आउट हो जाती है, तो इसको आरटीपीसीआर में भी पकड़ा जा सकता है। वरना गोल्ड स्टैंडर्ड जो टेस्ट है वो जीनोमिक सिक्वेंसिंग है जिसके थ्रू हमें पता लगता है कि ये ओमिक्रॉन वेरियंट ही है या पहले के वायरसेस वाला है। ओके, जैसा कि हम सभी को पता है कि इसे वेरिएंट ऑफ कंसर्न कहा गया है, ऐसे में ये कितनी बड़ी चिंता का विषय है? ये चिंता का विषय काफी है क्योंकि ये काफी जल्दी फैल रहा है। साउथ अफ्रीका, बोट्सवाना, अफ्रीकन नेशन से चलते हुए पिछले 11 दिनों में 40 से ऊपर देशों में ये फैल चुका है। यूएस में इसके 17 out of 50 स्टेट्स में केसेस आ गए हैं। इंडिया में भी इस टाइम 23 केस पॉजिटिव हैं ओमिक्रॉन के। सो ये काफी जल्दी फैल रहा है और जो सबसे बड़ा चिंता का विषय है वो ये है कि ये यंग वैक्सीनेटेड लोगों में ज्यादा देखा जा रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। इसका कारण ये है कि हम लोगों का घूमना, लोगों से मिलना, ज्यादा सोशलाइज करना और मास्क ना पहनना, जो पिछले 2 से 3 महीने में हमने देखा है कि लोगों ने सोशल डिस्टेंसिंग और कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर को पीछे छोड़ दिया है। और पिछले 2 महीने में हमारी वैक्सीनेशन भी काफी वीक हो गई है, वैक्सीनेशन स्ट्रेटजीज कम हो गई हैं। इसकी वजह से इंडिया इस टाइम कोविड का ओमिक्रॉन वेरिएंट ऑफ कंसर्न बना हुआ है। ओके, डॉक्टर चारू, एक और चीज यहाँ पर थी कि जब पहली लहर आई, जब दूसरी लहर आई तो हर कोई बहुत ज्यादा ही चिंतित था और अब ऐसा भी कहा जा रहा है कि जो ओमिक्रॉन है इसकी वजह से तीसरी लहर आ सकती है, ऐसे में आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? सो ये समझने की बहुत जरूरत है कि ग्लोबली ओमिक्रॉन अगर आता है तो ये 4th wave होगी। इंडिया में पहली और दूसरी वेव काफी मिक्स थी, इसीलिए इंडिया में इसको 3rd wave कहा जा रहा है। हाँ, अभी तक जो मैथमेटिकल मॉडल्स हैं और जो साइंटिस्ट का प्रिडिक्शन है, फरवरी में हमारे यहाँ ओमिक्रॉन के केसेस काफी बढ़ सकते हैं, जिसकी वजह से हमें अभी से सारे पब्लिक हेल्थ मेजर्स लेने की जरूरत है और हमें ये भी देखना है कि हमारी वैक्सीनेशन रुके ना। 3rd dose देने से पहले हमें अपने पूरे के पूरे एलिजिबल पॉपुलेशन को 2nd dose देना कंपलसरी है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। एक और चीज यहाँ पर आती है कि जब पहली लहर आई, जब दूसरी लहर आई तो कई तरह की सावधानियां बोली गई कि आपको ये प्रिकॉशंस लेने चाहिए और मास्क पहनना चाहिए, सैनिटाइज करना चाहिए, ऐसे में ओमिक्रॉन से जुड़ी कोई ऐसी चीज, कोई ऐसी स्ट्रेटेजी जो हमें करनी चाहिए, कोई ऐसा प्रिकॉशन जो हमें लेना चाहिए? प्रिकॉशंस सारे वही हैं। प्रिकॉशंस आपके मास्किंग, हैंड सैनिटाइजर, सोशल डिस्टेंसिंग, बट इस बार ये है कि आप अपने फ्रेंड्स, फैमिली, परिजनों को वैक्सीनेट जरूर करवाएं। अगर आपके इर्द गिर्द कोई है जिनकी 2nd dose अभी पेंडिंग चल रही है तो उसको लेट ना करें, अपनी डोज सबसे पहले लगवाइए, सो दैट वैक्सीनेशन से हमारे जो कॉम्प्लिकेशंस हैं या जो हॉस्पिटलाइजेशन है वो कम से कम हो पाए और हॉस्पिटल में वही लोग जाएं जिनको एक्चुअली जरूरत है।
ओके ओके अच्छा यहाँ पर एक चीज और थी डॉक्टर चारू कि दो तरह के जो वैक्सीन थे जो दो डोज थे वो लोगों ने ऑलरेडी लगवा लिए हैं, अब ऐसे में कहा जा रहा है कि बूस्टर डोज भी लोगों को लगवाना पड़ेगा ओमिक्रॉन से बचने के लिए, क्या है ये बूस्टर डोज, थोड़ा सा डिटेल में बताइए। सो ये समझने की ज़रूरत है कि वैक्सीन डिफरेंट टाइप्स की होती हैं, चाहे वो mRNA होती है, चाहे वो अडीनो वायरस वाली होती है। हमारे यहाँ देश में कोविड कोविशील्ड और कोवैक्सीन जो है, ये आप लोग सब समझ लीजिए कि हम लोग ओमिक्रॉन के अगेंस्ट भी कोविशील्ड और कोवैक्सीन काम करती हैं। ये अभी तक कोई प्रूव नहीं हुआ है कि ओमिक्रॉन के अगेंस्ट ये दोनों वैक्सीन नहीं काम करती और इनको लगवाने का फ़ायदा नहीं है। कल हम लोगों ने 50% हमारी पॉपुलेशन, इंडिया की 50% पॉपुलेशन ने दोनों डोज कंप्लीट कर ली हैं, तो ये काफ़ी अच्छा अचीवमेंट है। बट अभी भी 12 करोड़ वो लोग हैं जिन्होंने अपनी सेकेंड डोज नहीं लगवाई है, ड्यू डेट जा चुकी है। सो वैक्सीन ज़रूर लगवाइए। जहाँ तक हमारी बूस्टर डोज की बात आती है, हमारी साइंटिफिक लिटरेचर इतनी ये कहती है कि एक वैक्सीन इंड्यूस्ड इम्यूनिटी होती है जो कि 6 से 9 महीने में कम होती रहती है। इसमें मेनली दो टाइप के सेल होते हैं, मेमोरी बी सेल्स और मेमोरी टी सेल्स। ये मेमोरी टी सेल्स होते हैं जो हमें एक वायरस के सिवियरिटी से बचा के रखते हैं, क्योंकि 6 से 9 महीने में, अब जो पहले चाहे वो ओल्ड एज हो, चाहे वो फ्रंट लाइनर्स हो, डॉक्टर्स हो, जिनको शुरू में जनवरी फरवरी में वैक्सीन लगी थी, अब थर्ड डोज का उनका लगवाना अनिवार्य हो गया है। ऑल्दो साइंटिफिक कमिटी इस पे बैठ रही है, थर्ड डोज क्या वही वाली वैक्सीन की होगी या कोई दूसरी वैक्सीन की होगी, दिस डिसीजन इज कम्प्लीटली ऑन द गवर्नमेंट अथॉरिटीज। पर हमें इस टाइम दो चीजों पे फोकस करना है, फ्रंट लाइनर्स और इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड, 60 साल से ऊपर वृद्ध लोग या जिनको पहले से कोई बीमारी है, उनको थर्ड डोज की प्रायोरिटी दी जाए और फ्रंट लाइनर्स को थर्ड डोज की प्रायोरिटी दी जाए। बट इस टाइम इंडिया में वैक्सीन का स्टॉक बहुत है, सेकेंड डोज भी लगवाएं और जिनको थर्ड डोज लगवाने की जरूरत है उनके लिए बूस्टर शॉट्स भी अवेलेबल होंगे, सो दैट इनकी कॉम्प्लिकेशंस ओमिक्रॉन की उनको ना परेशान करें। ओके डॉक्टर, यहाँ पर एक और चीज थी, भारत सरकार ने कई तरह के पहले उठाए थे, कदम उठाए थे इससे पहले, आपको क्या लगता है इस बार भारत सरकार को कौन से वो कदम उठाने चाहिए जिसके चलते ये जो चीजें हैं ये रुक सकती हैं, थम सकती हैं, जैसे कि लॉकडाउन लगाया गया था इससे पहले, आपको क्या लगता है कि ओमिक्रॉन में भी लॉकडाउन की जरूरत है इस वायरस में? कभी भी लॉकडाउन किसी भी बीमारी का सोल्यूशन नहीं होता, लॉकडाउन सिर्फ एक मिटिगेशन स्ट्रेटजी होती है जिससे थोड़े टाइम के लिए खतरे को टाल दिया जाता है। बट हम इस टाइम काफी प्रिपेयर्ड हैं, लॉकडाउन की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। बट एट द सेम टाइम भारत सरकार को अपने पब्लिक हेल्थ मेजर्स को और स्ट्रिक्टली देखना चाहिए, वैक्सीनेशन स्ट्रेटजी को वापस मझधार से शुरू कर देना चाहिए। और ओमिक्रॉन एक ऐसा एग्जाम्पल है जिसमें ये प्रूव होता है कि हमें वैक्सीन सिर्फ उन्हें नहीं पहुंचानी जहां वैक्सीन है, जहां वैक्सीन नहीं है, जो गरीब देश हैं जहां वैक्सीन पहुंच नहीं पाई है, वहां पे हमें सेकेंड डोज पहुंचानी, पहली डोज पहुंचानी अनिवार्य है। सो अगर इंडियन गवर्नमेंट के पास स्टॉक है, देन दे शुड कंटिन्यू देयर सपोर्ट दूसरे देशों में वैक्सीन पहुंचाने की, उन लोगों को वैक्सीनेशन करने की जहां पे वैक्सीन नहीं है, चाहे वो गरीब देश हैं, चाहे वो रिफ्यूजी देश हैं, चाहे वो वॉर इन्फ्लिक्टेड प्रदेश हैं, वहां पे वैक्सीनेशन होना बहुत जरूरी है जिससे ये ट्रैवलिंग के थ्रू फैलने वाला वायरस कम से कम इंडिया में पहुंचे। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। और यहाँ पर इसी बीच हमारे दर्शक जो हैं वो एक सवाल पूछते हैं और जो जानना भी उनका हक है कि आखिर ये जो नए वेरिएंट हैं ये आते क्यों हैं? ये एक वायरस की अपनी एक इंट्रिंसिक कैपेसिटी होती है जिसको बोलते हैं म्यूटेशन। वायरस काफी तेज एक ऑर्गेनिज्म होता है जो कि समझता है कि जब वो शरीर में घुसता है तो डॉक्टर साइंटिस्ट इसके अगेंस्ट काफी सारे चीजें लाते हैं, चाहे वो वैक्सीनेशन होती है, ट्रीटमेंट होता है, या आप ये बोलिए सैनिटाइजर या मास्क क्यों नहीं होते हैं। इससे बचने के लिए वो अपने शरीर में काफी कुछ चेंज करते हैं जिसको म्यूटेशन बोलते हैं। ये वेरिएंट ऑफ कंसर्न्स इसीलिए आते हैं क्योंकि इनके डिफरेंट जगहों पे, वायरस के डिफरेंट जगहों पे ये म्यूटेशंस होते हैं। अब पर्टिकुलरली ओमिक्रॉन के केस में टोटल 35 म्यूटेशन हुए हैं उसके स्ट्रक्चर में, स्पाइक प्रोटीन में, और 15 म्यूटेशन हुए हैं रिसेप्टर बाइंडिंग डोमेन में। ये वो जगहें हैं उस वायरस की जो हमारे शरीर के साथ चिपकती हैं सबसे पहले। जब इनमें इतने चेंजेस हुए हैं तो हमारी वैक्सीनेशन, हमारी दवाइयाँ, हमारे ओवरऑल इम्यून सिस्टम को एक एक लड़ाई करने की ताकत कम हो जाती है, जिसकी वजह से ये ओमिक्रॉन जैसे और म्यूटेटेड वायरसेस ग्रो करते रहते हैं।
ये तो आपने डॉक्टर साहब बताया कि आखिर ग्रो कैसे करते हैं ये वायरसेस, क्यों आते हैं, कैसे होते हैं, इसके लक्षण क्या है, ओमिक्रॉन के लक्षण क्या है, और लक्षण कहाँ जा रहे हैं कि इसके जो लक्षण है ये पिछले जो वायरसेस थे उससे काफी डिफरेंट है, काफी हटके हैं। बिल्कुल, तो अभी तक जो साउथ अफ्रीकन स्टडीज आई हैं, जो पेशेंट्स आए हैं, जब उनके हम लोगों ने सिम्टम्स को स्टडी किया है, अभी तक यही सामने आया है कि ओमिक्रॉन में खांसी जुकाम कम है, इसमें गले में खराश और एक्सेसिव हेडेक और वीकनेस, यानी शरीर में दर्द, सिर में दर्द और बहुत ज़्यादा थकावट, ये वाले लक्षण देखे जा रहे हैं। पर सबसे अच्छी बात यह है कि अभी तक जितने भी मरीज आए हैं ओमिक्रॉन के, उनमें से एक को भी साउथ अफ्रीका में हॉस्पिटलाइजेशन की जरूरत नहीं पड़ी है, ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट बहुत कम है और डेथ इस टाइम जीरो है। सो माइल्ड टू मॉडरेट डिजीज है, लेकिन अपने सिम्टम्स को लाइटली ना लें और डॉक्टर को जरूर कंसल्ट करें जी। और डॉक्टर साहब, जैसे कि आपने बोला कि माइल्ड है लेकिन हमें इसे लाइटली नहीं लेना चाहिए, और ऐसा ही WHO का भी कहना है, लेकिन इन हल्के सिम्टम्स को भी की भी कैसे पहचान हो सकती है, मतलब कितना हानिकारक हो सकता है, कितना खतरनाक हो सकता है, इन हल्के सिम्टम्स में भी आप हम कैसे जस्टिफाई करेंगे, कैसे वेरीफाई करेंगे इन हल्के सिम्टम्स को? सर, सबसे पहले आपको ये जानना जरूरी है कि ये फ्लू सीजन है, फ्लू सीजन में हमारे फ्लू के जो सिम्टम्स होते हैं वो ऑलमोस्ट सेम ही होते हैं, लेकिन अगर आपकी कोई ट्रैवल हिस्ट्री है, या यदि आपके ये सिम्टम्स जा नहीं रहे हैं, या आप ऐसे किसी फैमिली या फ्रेंड के कॉन्टैक्ट में आए हैं जिनको पॉजिटिविटी रेट हाई है, या जिनको ट्रैक और ट्रेस किया जा रहा है, तो आप हाईली एट रिस्क पर्सन हैं। तो आपको ये जानना जरूरी है कि आप अपने आप को पहले ट्रैक करें, ट्रेस करें, फिर ट्रीट करवाएं, और उसके बाद वैक्सीनेशन तो जरूर ही लगवाएं। बिल्कुल, तो वैक्सीनेशन तो बहुत ज्यादा ही जरूरी है, डॉक्टर ने भी हमें बता ही दिया है। डॉक्टर, एक यहाँ पे एक और चीज थी, ओमिक्रॉन से जुड़े कई केसेस हमें भारत में भी देखने को मिले हैं, और ऐसे में एक ऐसा केस था बेंगलुरु का जहां पर एक शख्स को ओमिक्रॉन हुआ था, कोविड पॉजिटिव पाया गया था, लेकिन उसकी कोई ट्रैवल हिस्ट्री नहीं थी। ऐसे में क्या ये कहना सही होगा कि भारत में पहले से ही मौजूद था ये वायरस? इसका मतलब दो बनते हैं। पहला ये बनता है कि लोकल स्प्रेड शुरू हो गया है, जो कि काफ़ी प्री मच्योर होगा बोलना इस टाइम, क्योंकि लोकल स्प्रेड शुरू होने का मतलब होता है कि वायरस अब मल्टीप्लाई कर रहा है अपनी इंटरनल पॉपुलेशन में। पर ये जो केस था, इसका जब हमने ट्रैक किया तो पता चला कि ये एक उस कॉन्टैक्ट का था जो कि साउथ अफ्रीकन नेशन से रिटर्न हुआ था। सो दिस वॉज अ कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग पेशेंट। पर मेरे को ये भी बताना मैं काफ़ी अच्छा नहीं लग रहा कि बहुत सारे पेशेंट्स एयरपोर्ट पे अपने गलत एड्रेस और गलत फ़ोन नंबर देके अनट्रेसेबल हो रहे हैं, जिसकी वजह से पब्लिक हेल्थ मेजर्स को बहुत प्रॉब्लम हो रही है, लोगों के नंबर फोन स्विच ऑफ आ रहे हैं, घर लॉक्ड हैं, रॉन्ग एड्रेसेस हैं, जिसकी वजह से पता नहीं चल रहा कि वो कौन है, कहाँ से आए हैं, और क्या वो पॉजिटिव हैं तो उन्हें कैसे ट्रीट किया जाए। वो क्वारंटाइन से बचने के लिए ये सारे मेजर्स कर रहे हैं जी। डॉक्टर साहब, एक मेरा और सवाल आपसे था, एयरपोर्ट पर दो तरह की चेकिंग चल रही है, जो चेकिंग है वो कुछ इस तरह की है कि अगर आपको 3 घंटे में अपना, क्योंकि वहाँ पे RT-PCR जो टेस्ट हो रहा है, 3 घंटे में अगर आपको अपना टेस्ट मतलब रिपोर्ट चाहिए तो आपको इतने पैसे देने हैं, 6 घंटे के लिए अलग पैसे हैं, मतलब कि अगर आपको कम समय में अपना रिपोर्ट चाहिए, अपनी रिपोर्ट चाहिए, तो आपको उसके लिए ज्यादा पे करना पड़ेगा, तो ये क्या चीज चल रही है एयरपोर्ट पर? ये एक तरीके का इन्होंने तो धंधा बना के रखा है। ये धंधा नहीं होता, ये दो टाइप के टेस्ट होते हैं, एक होता है नॉर्मल RT-PCR जिसमें करीबन 6 से 24 घंटे का टाइम लगता है, एयरपोर्ट में 6 घंटे के अंदर आपको रिपोर्ट मिलती है, लेकिन एक रैपिड RT-PCR होता है जिसमें आपकी मशीन्स बहुत लिमिटेड होती हैं, जितनी मशीन की कॉस्ट होती है उतना ही चार्ज हाई होता है, उस पे कमेंट देना काफी गलत होगा, लेकिन ये आपकी अपनी कन्वीनियंस के लिए कि आप कितना जल्दी एयरपोर्ट से बाहर निकलना चाहते हैं और आप कितने पैसे खर्च कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। ओके डॉक्टर, सो डॉक्टर हमारे साथ जुड़ने के लिए, ढेर सारी इन्फॉर्मेशन देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। कोई ऐसी चीज जो रह गई हो जो आप हमारे दर्शकों को बताना चाहते हो तो आप कह सकते हैं। मैं आप सबको यही बताना चाहता हूं कि कोविड का जो ओमिक्रॉन वेरिएंट है, ये एक वेरिएंट ऑफ कंसर्न है, बट वेरिएंट ऑफ पैनिक नहीं है। तो पैनिक और एंग्जाइटी मत करिए, आप अपने बाकी के जैसे आप एहतियात बरत रहे थे पिछले 1.5 साल से वही बरतिए, मास्क लगाइए, सैनिटाइज करिए, जरूर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करिए, शादियों का सीजन है, बाहर जाइए, फ्रेंड से मिलिए, लेकिन खुले में, इंडोर कम करिए, एंड वैक्सीनेशन पे पूरा ध्यान दीजिए। धन्यवाद। थैंक यू डॉक्टर, थैंक यू। देश विदेश की तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए आप देखते रहिए TV9 डिजिटल। थैंक यू।